हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी सीडीपी और सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग सेट नंबर 9 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 9 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसके आंसर हम लोग होगा, देख सकते हैं, तो खोंड होगा। ओडिशा के खोंड जनजाति के मरिया प्रथा नरबलि प्रथा प्रचलित थी। इस पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 में लगाया था। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक बिश्नोई कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डिजीरियो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तो इसके आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की? तो इसके आंसर हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। अगला है, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो इसके आंसर हो जाएगा, ल्यूक स्ट्रैप्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, वारिंग हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, 21। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो इसका आंसर होगा, राजा जय सिंह। अगला, किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कैमियोठी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, सी बिहार और उड़ीसा में। अगला है, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, JW काये। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, 1611 में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ई। यानी चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बिहार बेतिया में 1840 ईस्वी में लगाया गया था, परंतु इसका वास्तविक विकास 1931 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जिस समय सरकार द्वारा पहली बार इस उद्योग का संरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों को शक्तियाँ प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, डी 1786 का अधिनियम। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला है, सुमेलित करना है तो डिस्प्लेस क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है डी, डिस्प्लेस क्लास वी आर शिंदे 1906 में, ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लास एसोसिएशन मुंबई महात्मा गांधी 1932, दी ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लास फेडरेशन मुंबई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1920 में, सत्य शोधक समाज मुंबई में ज्योतिबा फुले 1873। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष में निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर होगा, सर थॉमस रैले। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा, ए, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। अगला है, ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस कहाँ चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में चलाया था। अगला है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? तो इसका आंसर होगा, ई। यानी कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाघ और सार्जेंट ह्यूरन की गोली मार दी। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, 10 मई 1857। अगला है, सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जौ। अगला, ऋग्वेद की
जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह है, तो इसके आंसर हो जाएगा साकल। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है, तो इसके आंसर हो जाएगा सांख्य। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसने शासन की सबसे छोटी इकाई थी, तो इसके आंसर हो जाएगा ग्राम। अगला है, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी, तो इसके आंसर हो जाएगा हर्षचरित। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली, तो इसके आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों को। अगला देख सकते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था, तो इसके आंसर हो जाएगा सुबुद्दीन। अगला है, निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। अगला है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद को जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये होगा शेरशाह, सी ऑप्शन। अगला है, मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूली का अधिकार कब मिला, तो इसके आंसर हो जाएगा 1765। अगला है, मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिनियम में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिपुरा अधिवेशन 1938। कितने पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई, तो इसके आंसर हो जाएगा 5। अगला, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है, तो इसके आंसर हो जाएगा ई, इसमें हो जाएगा CRR में वृद्धि और SLR में वृद्धि। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, तो इसका आंसर होगा 24 जुलाई 1991 को। अगला, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई, तो इसका आंसर होगा 60%। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के कितने संगठन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा B5। अगला है, BSE ग्रीन एक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगला है, यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज इजकल टू प्राथमिक घाटा होता है। अगला देख सकते हैं, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011-12। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य का गन्ना निम्न में से कौन अनुमोदन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2005। अगला, बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ, तो इसका आंसर होगा 2020-21। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। अगला हम लोग देख सकते हैं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 6,135.62 करोड़ रुपये। अगला, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कदम मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ATP। अगला, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज 1880 में कोलिकर ने की, इसका नामकरण बेंडा ने किया।
माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों के कोशिकाओं को छोड़कर पौधों और जंतुओं के समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। लाइसोसोम की खोज में डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं के मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, फॉस्फेट, राइबोन्यूक्लिएज, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिएज आदि। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के विभिन्न पदार्थ का पाचन करना है। अगला हम लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिनका उपयोग रक्त कैंसर के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, फॉस्फोरस P32+Cu60। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है हाइड्रोजन बंध से। अगला क्वेश्चन है, औषधि और कवक जिसे यह बनता है सही मिलान करना है। तो औषधि का नाम है पेंसिलिन, पेंसिलियम नोटोटम, इर्गोट का क्लेवियस फर्फुरिया, ग्रीसी ओल्फिलियम, पेंसिलियम ग्रीसी ओल्बम, क्लेविसिन एपिजिस केवेटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत डार्विन। अगला, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी का मोम। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग के द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लॉंगाटा। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, क्वांटम सिद्धांत डाल्टन। अगला है, मानव शरीर द्वारा किन हार्मोनों को उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन और एड्रेनिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेक्राइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। अगला क्वेश्चन है, त्वचा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केराटीन। अगला है, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य एवं ऊर्जा। हमारे शरीर में अस्थियों हड्डियों का ठोस और कठोर बनाने के लिए मुक्त अन्य में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम फॉस्फेट। अगला है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्थलरोज देश है? इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब। अगला है, इजराइल ने निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इजराइल की स्थापना 18 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र इजराइल की सीमा साझा करते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है? तो इसका आंसर होगा उत्तमासा अंतरिम। अगला, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरी और ओंटारियो। अगला हम लोग देख सकते हैं, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणों के रूप में। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। अगला, हिमालय की मुख्य चोटियों को निम्न में दी गई है उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो हो जाएगा कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ऑप्शन सी। अगला, विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनेडियन निम्न में से किस पठार का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलोराडो पठार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर से दूसरा। अगला है, कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य क्रम से है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0.15%।
गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल को सुमेलित करना है। तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा बी, सोन नदी, पटना में सोन और हाजीपुर में गंडक, कटिहार में कोसी, छपरा में घाघरा, मालदा में महानंदा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित रूप से स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठा। अगला, बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। तो इसका आंसर होगा 1.3%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के 21 जिले में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला, बिहार के 21 जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। अगला, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 275। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया, अनुच्छेद 20 से 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार की अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो इसके आंसर हो जाएगा बी, 6। निम्नलिखित में से किस में संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है। तो इसका आंसर होगा ई, वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों से यदि एक बार मंजूरी प्राप्त हो जाए तो अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उसे वापस न लिया जाए। ये दो बातों इंगित करता है, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निदेशक तत्व के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। दूसरा, इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तीसरा, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। अगला, संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकलन समिति। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट सूची में शामिल विषय का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विषय जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि G20 का गठन 1999 में हुआ था, इसकी पहली बैठक 2008 में हुई, वाशिंगटन DC में हुई थी, दूसरी बैठक 2009 में हुई थी, सभी सुमेलित हैं। 2021 का इटली, 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का भारत, 2024 का ब्राज़ील। अगला, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 121वां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य कौन सा राष्ट्र बना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा अंडोरा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के नए महासचिव कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 713,789 वर्ग किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा योगा फॉर वेल बींग। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 135वां। अगला हम लोग देख सकते हैं, खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सेहत OPD पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्षा मंत्रालय। अगला हम लोग देख सकते हैं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 22-23 में ऋण का अधिशेष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 31.95%। अगला, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1,02,306 किलोमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नालंदा। अगला देख सकते हैं, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म गुलाबो सीताबो ये असत्य है। सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म थप्पड़ 7 पुरस्कार, गुलाबो सीताबो 6 पुरस्कार। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा। पहला, अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार नामित गोखले को उनकी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, दूसरा है, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया। अगला है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों को उनसे संबंधित खेलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुमित अंतिम पैरा बैडमिंटन से नहीं है, क्योंकि ये पैरा एथलीट से है, वे राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों का सही क्रम बताना है? तो इसका आंसर हो गया ए सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन। अगला, हाल ही में जारी ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इस सूचकांक में अंतिम स्थान सोमालिया का है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा राजगीर। अगला है, 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2028 का आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला, बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 2013-14। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा 765 KV के सुपर ग्रिड व संचालन लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं कटिहार। अगला, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो इसके आंसर हो जाएगा गया। अगला, अनामिका जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया बिहार के किस जिले से? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। अगला हम लोग देख सकते हैं, जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला है, बढ़िया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन बकासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। अगला है, चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी एफ जी सलाई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई 1906 में श्री के सिंह ने और तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं चौथी। अरे, उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो इसके आंसर हो जाएगा महानंदा। अगला क्वेश्चन है, तिरहुत नहर में जलापूर्ति किस नदी में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया। परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। अगला, एक बार का दाब एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 10^5 न्यूटन का। अगला क्वेश्चन है, एक बीज से सेब स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है जबकि दूसरा तेज हवा के झोंकों से टूटकर जमीन पर गिरता है, तो दोनों के गतियों में क्या अंतर होगा? तो इसका आंसर होगा सी, पहले की ऊर्ध्व गति होगी जबकि दूसरे को प्रत्यक्ष गति। अगला, ठोस द्रव एवं गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक और सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी
ठोसों में सर्वाधिक और गैसों में सबसे कम। अगला, यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 गुना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में। हीरे पेनी में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा सी, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अग्निरोधी और जलरोधी कपड़े बनाने और पेंट की अम्लता कम करने के लिए निम्न में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, जब एथिल अल्कोहल को बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पावर अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, रूट अंडर 3969 बाई क्वेश्चन मार्क -19 107 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/4। अगला है, 256 का पावर 0.16 इंटू 256 0.09 क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला, एक संख्या को 391 से भाग करने पर शेषफल 58 मिलता है तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 7। अगला, 1 से 55 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। 10 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा करती है तो उसी काम को 10 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाओं और 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 पुस्तकें खरीदता है तो 12 रुपये में 10 पुस्तकें बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44। अगला हम लोग देख सकते हैं, यदि x प्लस 1/y इजकल टू 1 है तो y प्लस 1/z इजकल टू 1 हो तब z प्लस 1/x का मान है। तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा ई, ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, एक बार की परिमिति 4a+12 इकाई है तो उस बार का क्षेत्रफल होगा? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा a स्क्वायर प्लस 6a+9 का इकाई। यदि ब्याज का 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष पश्चात 2500 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4320 रुपये। अगला, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि उसके इतने गोले बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 48। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।